गाइस, व्हाट्स अप। आज की जो हमारी छोले बिरयानी की रेसिपी, बहुत सिंपल, बहुत इजी सी रेसिपी और टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द रेसिपी एंड वील स्टार्ट बाय बॉइलिंग द चना। ये जो चना है, ये काबुली चना है, अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम्स होगा। मैंने इसको ओवरनाइट सोक कर दिया था। अभी हम कुछ होल स्पाइसेस के साथ इसको बॉयल करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ता लिया है, कार्डमम लिया है, सिनेमन लिया है, लौंग लिया है और थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ताकि चना बिल्कुल ब्लैंड ना लगे। और साथ में मैं चाय पत्ती का पानी, आप मतलब 2 चम्मच चाय पत्ती को आप बॉयल करिए थोड़े से पानी में और उसको यहाँ पे स्टेन कर दीजिए, इससे चने का कलर बहुत अच्छा आता है। सो नाउ क्लोज द लिड एंड लेट इट बॉयल। नाउ टेक 2-3 बॉइल्ड पोटेटोज और इसको आप थोड़ा सा सौती कीजिए, 1 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर में। इसको हम बाद में लेयरिंग में यूज़ करेंगे। नाउ इट्स ऑलरेडी बीन 15 to 20 मिनट्स। अभी हम अपना चना चेक करते हैं। देखिए, चने अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। मैं एक चने को प्रेस करके देखूंगी, इट्स कम्प्लीटली बॉयल्ड। इसको साइड में रख दीजिए। नाउ लेट्स प्रिपेयर द राइस। मैंने यहाँ पे दावत बिरयानी राइस यूज़ किया है, अप्रॉक्सीमेटली 2 कप्स, और इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी और 2 वेजेस लेमन के। लेमन जो होता है वो बिरयानी में डालना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो चावल का दाना होता है वो साथ में चिपकता नहीं है। एंड यू हैव टू पार बॉयल द राइस, मतलब आपको 80% तक इसको पकाना है। आपको उससे पता चल जाएगा इसका जो ग्रेन होता है वो, यू विल सी, वो बहुत लंबा लंबा हो चुका है, ऑलमोस्ट कुक्ड है, लेकिन स्टिल एक कसर बाकी होती है। आपको बस वहीं तक इसको पकाना है। एंड वंस दे आर कुक्ड, आपको कोई भी बड़ा बर्तन, कोई भी बड़ी ट्रे या राइस प्लेट लेना है, उसमें इसको फैला के लगा दीजिए एंड लेट इट एयर ड्राई अ बिट। नाउ टेक अ पैन, पोर इन सम ऑयल, एड स्लाइस्ड अनियंस एंड फ्राई देम अंटिल गोल्डन ब्राउन। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल्डन कलर। नाउ दे लुक क्रिस्प एंड ब्राउन। इसको हम अलग से प्लेट में निकाल के रख देंगे। नाउ वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग छोले। अब इसके लिए आप एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से भूनिए। एंड एट दिस स्टेज वील एड टमेटोज। मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, अच्छे रेड टमेटोज, और उसको ग्रेट कर लिया था, उसी का पेस्ट बना लिया था, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अच्छे से लेट इट कुक अ बिट, अच्छे से इसको कुक होने दीजिए और थोड़ी सी हल्दी ऐड करिए, क्योंकि हल्दी अगर हम बाद में ऐड करेंगे तो उसका कच्चापन रह जाता है। अब मेरा मसाला बहुत अच्छे से कुक हो गया है। यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर मिक्स कर रही हूँ, साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और कोई भी मार्केट का छोले मसाला। मैं यहाँ SDS का छोले मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई लव SDS के छोले मसाले। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। Now I'm adding some water so the masalas don't stick to the bottom and cook well. मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, मैं उसमें अपने चने ऐड कर रही हूँ। Now if you want तो आप थोड़ा सा खड़ा मसाला हटा सकते हैं क्योंकि उसने फ्लेवर पूरा दे दिया है and they do not taste good in a bite. And to enhance all the flavors I'm adding roasted कस्तूरी मेथी। थोड़ा सा इसको तवे पे भून लीजिए और उसको क्रश करके अच्छा सा ऊपर डाल दीजिए। नाउ हियर्स वन स्मॉल टिप, आप जब भी छोले बिरयानी बना रहे हैं नमक को थोड़ा सा तेज रखिए क्योंकि हमारे चावल ऑलरेडी ब्लैंड है, तो आप सॉल्ट ज्यादा भी डालोगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। नाउ ऐड 3-4 बिग टेबलस्पून ऑफ कर्ड और इसको चलाते रहिए, जस्ट कीप स्टरिंग इट। Now the chole is all set. Let's start layering. इसके लिए आप कोई भी डीप पैन लीजिए ताकि हम लेयर्स सेट कर सकें। सबसे पहले हम छोले सेट करेंगे एंड देन राइस। देन the boiled potatoes, जो हमने मसाला potatoes तैयार करके रखे थे, अभी उसको ऐड करेंगे। सम फ्राइड onions, सम coriander एंड mint leaves. And then a layer of chole.
एंड देन राइज अगेन. अभी मैंने थोड़ा सा केसर दूध में डाल के रख दिया था ताकि वो उसका फ्लेवर सोक कर जाए. थोड़ा सा मैं उस पे डाल रही हूँ. थोड़ा सा घी, केवड़ा एसेंस 4-5 ड्रॉप्स फॉर दैट खुशबू, सम कोरिएंडर लीव्स, सम मिंट लीव्स, फ्राइड अनियंस एंड यू आर डन. इसको बंद कीजिए और थोड़ा सा आटा लीजिए, उससे सील कीजिए. ये हर तरफ से अच्छे से सील हो गया है. अभी मैं एक तवा लूंगी और उसके ऊपर इस वेसल को रखूंगी. मैंने अपनी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखी है. अभी हम 15-20 मिनट तक इसको पकाएंगे एंड सी योर बिरयानी इज ऑल डन. वाओ. इसको बुरानी रायता और मिंट चटनी के साथ सर्व कीजिए. दोनों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ यू लाइक द रेसिपी. तब तक के लिए बाय बाय.